अस्सलाम दोस्तों, वेलकम है आपके तपरेज हम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एथीन माइनिंग ऐप बहुत ही बकवास और बहुत ही बेकार है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और इसके बारे में एक वीडियो भी कंप्लीट बता चुका हूँ कि ये स्कैम है। तो तबरेज भाई, अगर ये स्कैम है, इतना ही बेकार है, इतना ही बकवास है, तो इसके ऊपर आप वीडियो क्यों बनाते हैं? वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि शुरू शुरू में हमें पता नहीं होता कौन सा प्रोजेक्ट क्या करने वाला है एंड पे, तो हमने इसकी ग्रोथ देख के इसको प्रमोट कर दिया था, इसकी ग्रोथ देख के हमने इस पे वीडियो बना दी थी। तो हर चीज़ ग्रोथ ही नहीं होती, कुछ चीज़ें और भी देखनी होती हैं जो कि हमसे मिस्टेक हुई शुरू में, हमने इसको प्रमोट कर दिया। अब हम इस पे वीडियो बना चुके हैं तो बहुत से लोग इस पे वर्क करके कुछ ना कुछ अर्निंग यहाँ पे कर चुके हैं, ATH की, जेम की, लायन की, तो अब किसी किनारे तो इसको लगाना है ना। अब बहुत से लोग ये अपने कॉइन लेके बैठे हुए हैं, इसको छोड़ तो नहीं सकते, इसकी अपडेट जो आती है वो तो प्रोवाइड करनी है ना। इस वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ, इस वजह से जो है प्रोवाइड करता हूँ, वरना इसको मैं कभी भी यहाँ पे वीडियो ही ना बनाता। तो मजीद अगर न्यू यूजर कोई देख रहा है तो इसको ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेकार और बकवास है। क्यों कह रहा हूँ मैं बेकार और बकवास है? क्योंकि पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो दी यहाँ पे ATH फंडिंग की, जिसमें हमने जो है अपने क्वाइन ट्रांसफर किए, अपने ATH अपने ऐप से जो है ट्रांसफर किए और यहाँ पे लाए, और यहाँ पे लाने के बाद जो है हमने क्या बाय किया उनसे, ATH। तो यहाँ पे जो है अब ये एक न्यूज निकल के आ रही है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास सिंपल रहने वाले हैं, जो ATH एक्सचेंज है वो अलग रहने वाली है और जो ATH फंडिंग है वो अलग रहने वाली है। इनका डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूं और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ट्रांसफर कर दी है तो ATH फंडिंग जो है वो भी इन्हीं का अपना है, क्योंकि अगर आपने क्वाइन ट्रांसफर किए हैं तो इनका अपना ना होता तो इनके वहां पे पोर्टल पे जो है क्वाइन ही आपको रिसीव ना होते। क्वाइन रिसीव हो गए हैं तो मतलब इनका अपना ही है। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे एक गुड न्यूज आपके साथ शेयर करनी है। जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनको मैंने एक वीडियो दी थी, दो वीडियो दी थी, एक इनसाइडर सीक्रेट करके टोन की दी थी, दूसरी जो है टोन लिस्ट ऑन बाइनांस। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट बताया था कि इस वीडियो को लाजमी देखें, अगर आप टोन को बाय कर लेते हैं अभी तो एंड में आपको ये फायदा देगा। अभी जो है न्यूज निकल के आ रही है कि टोन जो है लिस्ट होने जा रहा है। ये वीडियो मैंने जून में दी थी और आज से जो है एक दो मंथ पहले वीडियो दी थी और अब जो है बाइनांस इसको लिस्ट करने जा रहा है और इसमें जो है पंप देखने को मिल रहा है। ये पंप मजीद देखने को भी आपको मिलेगा, अभी मार्केट कंडीशन अच्छी होती तो ये आपको $10 भी क्रॉस करता हुआ देखने को मिलता। तो सिंपल जो है अभी मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है तो इस वजह से जो है कुछ ना कुछ हमें जो है इसमें पंप तो देखने को मिल ही रहा है। तो मेरी बात पूरी हो गई, मेरी जो आपसे कमिटमेंट थी कि इसको बाय कर ले, मैंने कभी भी किसी कॉइन को बाय करने का नहीं कहा था, लेकिन टोन आपको बाय करने का कहा था तो वो बाइनांस पे लिस्ट होगा इस वजह से कहा था, वो लिस्ट होने जा रहा है, उसकी न्यूज आ चुकी है। तो मेरी कमिटमेंट पूरी हुई, मैंने जो न्यूज दी थी, इनसाइडर न्यूज जो दी थी, इनसाइडर सीक्रेट करके आपको कहा था, वो इनसाइडर न्यूज पूरी हुई यहाँ पे। तो ये जो है इस तरह अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको जो है इस तरह की इनसाइडर न्यूज मिलती रहती है। अब जो है यहाँ पे हमारे पास आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमने जो फंड ट्रांसफर किया है funding.ATH में, इसमें हमारे पास डिफरेंट क्या है, ATH की जो इनकी एक्सचेंज आएगी ना वो डिफरेंट आने वाली है, वो अभी लॉन्च नहीं हुई, वो कमिंग सून में आई, ये कह रहे हैं। वो जैसे लॉन्च होगी तो हम आपको बता देंगे, उस पर भी अकाउंट बना लीजिएगा। ATH फंडिंग हमारे पास क्या है, ATH जो फंडिंग है ना इसमें सिर्फ जो है प्री सेल चल रही है, कौन से क्वाइन की, ATH की। ATH में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, funding.ATH को। तो हमने क्या किया है, हमने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया है। अब क्यों यूज किया है, किस वजह से यूज किया है, आपको पता है ATH से इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हमें देना है, क्योंकि जब ATH एक्सचेंज आएगी तो ये कोई ना कोई लिमिट लगा देंगे कि आप जो है ATH क्वाइन को अपने ऐप से, जो इनका ऐप है, यहां से अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं ATH एक्सचेंज पे तो ये वाला पैकेज बाय करें, क्योंकि बहुत बेकार और बकवास है। अब सुनने को ये भी हमें मिल रहा है कि ये इनका फाउंडर जो है वो भी कोई पाकिस्तानी ही है, कोई गोरा नहीं है, तो अगर एशिया से इनका कोई भी फाउंडर है तो ये तो बकवास ही प्रोजेक्ट होने वाला है फिर। अब जो है सिंपल आपको जो है सिंपल हमारे पास दो प्लेटफॉर्म हो गए, एक ATH एक्सचेंज जो के लिस्ट करेगा, जहां पे क्वाइन लिस्ट होंगे, जो के
बाकी एक्सचेंजेस की तरह होगा, जो एक्सचेंजेस हम यूज करते हैं उनकी तरह, लेकिन इनका अपना होगा सेंट्रलाइज, उस पर कंट्रोल रहेगा इनका, अपनी मर्जी से ये मैनिपुलेट करेंगे जो भी इनका कॉइन वहां पे लिस्ट होगा। और दूसरा हमारे पास ये है कि ये एटीएक्स फंडिंग का, हमने एटीएक्स फंडिंग में जो है यहाँ पे एटीएक्स बाय कर लिया है। अगर आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया है ना, यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद जो है आपने यहाँ पे जो है एटीएक्स जो है लाजमी बाय कर लेने हैं। यहाँ पे ऊपर आपने सिलेक्ट करना है कौन सा कॉइन, यहाँ पे जो है एटीएक्स सिलेक्ट करना है अगर यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है तो। उसके बाद जो है ट्रांसफर करने के बाद जो है आपने यहाँ पे जो है सिंपल इसको जो है इससे बाय कर लेने हैं एटीएक्स। ATX अगर बाय कर लेंगे तो अभी जो है देख सकते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहा होगा इसकी ऑन गोइंग जो है प्राइवेट राउंड चल रहा है। तो ATX का प्राइवेट राउंड चल रहा है और ATH जो है हमारे पास हमें फ्री में मिले हैं। तो जो फ्री वाले क्वाइन है, मुझे नहीं लगता कि फ्री वाले क्वाइन को ये कोई बेचने देंगे या हमें उससे प्रॉफिट बुक करने देंगे। हाँ, वो जो क्वाइन है ATX जो लोग बाय कर रहे हैं, हो सकता है उसको ये पहले लिस्ट कर दें और उससे जो है कुछ प्रॉफिट चला जाए। तो यहाँ पे भी हमारे पास फंडिंग राउंड से भी जो बाय कर रहे हैं, इतने लोग जो है बाय कर चुके हैं, देख सकते हैं कि कितने जो है करंट अमाउंट में, टारगेट अमाउंट में, ये देख सकते हैं कि टोटल जो है इतने जो है अभी बाइंग हो चुकी है। तो ये बाइंग भी सारी फंडिंग इसी पे, फंडिंग ATX पे हुई है। तो यहाँ पे जो लोग बाय करके इतने लोग बैठे हुए हैं, इनको भी तो आखिर जो है यहाँ पे मतलब ओपन किया जाएगा ना विड्रा, यहाँ से भी विड्रा के लिए जो है लगाए जाएंगे ना, तो हम यहाँ से विड्रा कर लेंगे, इनके ऐप से विड्रा नहीं करेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कर लिया है तो इसका फायदा क्या था, फायदा मैं आपको बता देता हूँ जिस वजह से हमने किया है। अभी देखे ना, इनके जो है अपकमिंग राउंड आने वाले हैं, अभी हमारे पास जो है अगला जो राउंड आएगा उसमें जो है 5.2 पे, अभी जो हमें मिला है ना वो मिला है 0.48 पे जो है हमें ATX क्वाइन मिला है, ये इसकी प्राइस है $0.48 पे एक ATX क्वाइन मिला है। अगला जो इसका राउंड होगा ना उसमें जो है इसकी प्राइस जो है थोड़ी बढ़ा दी जाएगी, 5.2 कर दी जाएगी, और जो इसका पब्लिक राउंड होगा उसमें जो है 0.56 कर दी जाएगी, 5.6, और इनको इनका कहना ये है कि 0.7 तक ये लिस्ट होगा। तो मतलब ATH की तो कोई भी पब्लिक सेल या प्राइवेट सेल या इस तरह का नहीं देखने को मिल रहा था, ATH तो हमें जो है $0.4 तक ये लिस्ट करने को कह रहे थे। तो यहाँ पे जो है अब 0.7 तक जो है हमारे पास जो है ATX जो है लिस्ट होगा, तो ATH की निस्बत जो है हमें ATX से ज्यादा प्रॉफिट जा सकता है। तो इस वजह से मैंने आपको ट्रांसफर कराया है ताकि इनके ऐप से भी निकल आए, और कोई ऐसा क्वाइन जो कि प्रीमियम क्वाइन है जिसमें जो है ये फंडिंग ले रहे हैं, जिसमें जो है ये लोगों को बाय करवा रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं, तो बाय किए हुए लोग तो इनको जो है पकड़ेंगे ना फिर कि हमने बाय किया हुआ है, तो आप उसको लिस्ट करें, तो शायद ये उसको लिस्ट कर दें और वो लिस्ट भी $0.7 पे होगा। ATH तो $0.4 पे होगा, ATX जिसमें हमने अब कन्वर्ट किया है उसकी आगे प्राइस बढ़ती जाएगी, उसके राउंड क्योंकि आगे चलते जाएंगे तो उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, तो हमें ज्यादा प्राइस में वो लिस्ट होता हुआ मिल सकता है, तो हमें प्रॉफिट भी उससे जो है ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये सारा सीन है, ये सिनेरियो है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये न्यूज देखी है कि आपको जो है सिंपल ये मतलब ATX एक्सचेंज जो है अलग है और ATX फंडिंग वाला अलग है, तो कोई आपके कॉइन वेस्ट नहीं होंगे, आपके यहां से भी विड्रा हो जाएंगे, आपके वहां से भी विड्रा हो जाएंगे, लेकिन ये इनकी जुबान कोई नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया बहुत बकवास है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी इन्होंने कहा था पिछले दिनों, एक आपको जो है बता देता हूं कि इन्होंने कहा था हम इनसाइडर जो हमारे पास इंटरनल जो हमारे पास ट्रांसफर होगा वो हम बंद ही अब रखेंगे, अभी कभी ओपन नहीं होगा, अब ये लिस्टिंग की तरफ क्योंकि ATS जाने वाला है। लेकिन अब इन्होंने दोबारा से जो है इंटरनल ट्रांसफर ओपन कर दिया है और कहा है कि आप होटल वाले सेक्शन में होल्ड करके 50 ATH अगर होल्ड करते हैं तो इंटरनल ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक अपने एथीन ऐप से दूसरे एथीन ऐप में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको इंटरनल ट्रांसफर कहते हैं। तो दोबारा से ये ओपन कर दिया है, तो इनकी जबान कोई नहीं है, मतलब अगर ये कह दें ये हम करेंगे तो पता नहीं होता कि ये करेंगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्कैम प्रोजेक्ट है। तो फिलहाल अगर कुछ दे गया तो ठीक है, नहीं तो इससे ज्यादा उम्मीदें मत रखिए, इस पे ज्यादा वर्क करने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी प्रोजेक्ट जो आपको वेरीफाइड दिया हुआ है उन पे जो है वर्क कीजिए, कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट जिसको मैं अगर कर दूं मुझसे मिस्टेक हो जाए तो वो मैं एडमिट करता होता हूं, ऐसा नहीं है कि उसको मैं फिर आगे तक आपको कहता रहूं कि ये करेगा वो करेगा, तो इस चीज से बचना है आपने। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।